नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राजतक न्यूज। अंबेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप राजभर, जो प्रदेश प्रमुख महासचिव युवा मोर्चा स्वदेशी भारतीय समाज पार्टी। संदीप जी, राजतक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। संदीप धन्यवाद सर। जी, आप बोल रहे थे कि हमारे नेता को विपक्ष वाले फोन नहीं किए। ये तो ओपी राजभर जी का पहले जी से मन था, बयान ही बता रहे थे, तो इसमें फोन की बात कहाँ से आएगी। जी आप मीडिया में बोले कि हमारे नेता को विपक्ष वाले फोन नहीं किए, अमित शाह जी का फोन आया तो चले गए। तो वो भी राजभर जी जी का तो बयान पहले से ही आ रहा था बीजेपी की तरफ। देखिए, ऐसा था ना, काफी दिनों से चर्चा मीडिया के माध्यम से चल रहा था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, क्या नाम है, बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो रही है। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर चाहते थे कि जो दलित समाज के लोग हैं, जो जिसे पिछड़ा और दलित में जो भी आते हैं पार्टियां, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से अगर हमको बुलाया जाए, सभी विपक्षी जो एकता है, अगर एक तरफा हो जाए तो हमको अगर भी बुलाएंगे 2 घंटा पहले तो हम मंच पे वहां मिल जाएंगे आपको। लेकिन किसी का फोन नहीं आया, इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं किए। अब बीच में माननीय अमित शाह जी का, जो गृह मंत्री जी हैं, उनका फोन आया तो भाई चले गए। अब आदमी किसका कितना इंतजार करेगा। संदीप जी जो बोल रहे हैं, ओपी राजभर जी 2 मिनट पहले की बात बता रहे थे कि 2 घंटा पहले की बात, अगर जो बसपा सुप्रीमो जाएंगे। लेकिन राजनीतिक जो आदमी है, उनका मानना था कि ओपी राजभर बस गेम कर रहे थे। उनको पता था कि बसपा सुप्रीमो नहीं जाएंगे गठबंधन में, तो उनका एक बहाना था कहने का। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोगों को पता होगा, आप लोग मीडिया से हैं, मीडिया के माध्यम से काफी सूचना भी मिली होगी। जब पहली बार माननीय ओम प्रकाश राजभर लखनऊ की पंचायत से इस्तीफा दिए थे, भारतीय जनता पार्टी से, कैबिनेट मिनिस्टर से, तो लोग यही कयास लगाते थे, विपक्षी के लोग, कि माननीय नेताजी फिर जा रहे हैं बीजेपी में। लेकिन माननीय नेताजी नहीं गए। आप लोगों को जानकारी होगा कि हम लोग 2022 का चुनाव समाजवादी के साथ मिलकर के लड़ा था, तो वही स्थिति ये लोग फिर कर रहे थे। जब ये लोग क्या नाम है, नहीं इस बात को माने कि जो मायावती जी को साथ में ले जाया जाए, पिछड़े को साथ में लेकर के हम लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा उत्तर प्रदेश में। अब आप जा रहे हैं बंगाल, जा रहे हैं आप, जा रहे हैं छत्तीसगढ़, जा रहे हैं आप उड़ीसा, जा रहे हैं, बताइए वहां से कौन यूपी में वोट दिलवा देगा आपको। मिल सकता है, संभव था, नहीं था। इसलिए नेताजी समझा रहे थे कि जो जिसका पकड़ बढ़िया है, अगर मायावती जी को पकड़ेंगे तो उनका 12-15 प्रदेशों में अच्छा पकड़ है, आपके यूपी में अच्छा पकड़ है, आप हमको ले लीजिए, मायावती जी को ले लीजिए, जयंत चौधरी जी को ले लीजिए, कई ऐसे नेता हैं जिनको आप ले लेंगे तो यूपी में अच्छा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन इस बात को मानने के तैयार नहीं थे। लेकिन एक आप बयान सुने ओपी राजभर का, वो बोले भी थे कि सीबीआई के डर के मारे लोग गठबंधन में नहीं जाएंगे बसपा सुप्रीमो। तो फिर किस आधार पे कह रहे थे कि नहीं, अगर जो साथ चले जाएंगे तो अच्छा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीआई का डर, देखिए, जो जो लूट के रखा हुआ वो ना डरेगा, जो कहीं लूट के नहीं रखा वो कहां से डरेगा सीबीआई से। संदीप जी आप बोल रहे थे कि परिवारवाद कहाँ नहीं है, तो फिर ओपी राजभर दूसरे पर आरोप क्यों लगा देते हैं। देखिए, लोग बार बार यही कहते हैं, विपक्षी पार्टी के लोग, अभी बसपा के नेता का एक बयान आया, नाम हम नहीं लेंगे, समाजवादी के कई नेताओं का बयान आया कि ओम प्रकाश राजभर अपने लिए और अपने बच्चे के लिए भविष्य बनाने के चक्कर में लगे हैं, अपना लड़ते हैं, अपने बच्चे को लड़ाते हैं। आप बसपा को उठा के देख लीजिए, समाजवादी को उठा के देख लीजिए, चाहे कांग्रेस को उठा के देख लीजिए, आजादी से अब तक यही समाजवादी को देख लीजिए, हमको लगता है कम से कम 15 को सदस्य होंगे, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, चेयरमैन भी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख है, कई को नेता ऐसे हैं उनके घर में। तब बताइए, नेताजी अगर कोई भी चाहेगा कि हमारे परिवार का विकास हो, हर कोई चाहेगा अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचने के लिए। तो सब परिवार के बारे में अच्छा सोचेंगे तो पार्टी के अन्य कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। जैसे 2022 में टिकट तो मिला 17-18, लेकिन घर के ही लोग लड़े थे, इस पर भी आरोप लगा था। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं। उसका रीजन था कि 17 तो टिकट में से 13 को प्रत्याशी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल से समाजवादी के प्रत्याशी थे। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों के साथ छल किया। जब गठबंधन हुआ, नेताजी चाह रहे थे कि हम लोगों का रिजर्वेशन कैसे बन जाए, हम लोग की पार्टी रजिस्टर्ड हो जाए। संदीप जो बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आप लोगों के साथ छल गया, तो वो भी राजभर इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, इतने नए नए राजनीतिबाज नहीं है।
जो आदमी 20 साल से पार्टी चला रहा है, कितने साल से राजनीति में घूम रहे हैं, तो उनको तो अच्छी तरीके से पता था कि सारे प्रत्याशी समाजवादी हैं और क्यों समाजवादी लड़ाया जा रहा है, उनको सब मालूम था। तो छल वाली बात कहां से आ गई? देखिए, कभी कभी जान करके जहर खाया जाता है, बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये था कि जब ये इधर माननीय ओम प्रकाश राजभर मैनपुरी इटावा के साइड में सीट मांग रहे थे, मध्यांचल में मांग रहे थे और बुंदेलखंड के साइड में मांग रहे थे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आने दीजिए, जब चुनाव आ जाएगा तो आपको सीट दिया जाएगा। उधर नहीं दिए, अब लास्ट जब छोर बचा इधर पूर्वांचल का, तब ये अपना 12 प्रत्याशी अपना दे दिए। अब हम माननीय नेताजी तो गठबंधन हो ही गया है, मजबूरी पे हम लोग जान लीजिए गठबंधन किए। नेताजी का सम्मान रखने के लिए नेताजी कहे थे कि हमको भाई एक सीट नहीं मिलेगा, फिर भी हम चुनाव इनके साथ में लड़ेंगे। ये तो बीजेपी के टीस के मारे गए थे ना, कि उनको ये था कि नहीं, हम 19 में हट गए हैं तो इस बार किसी हाल में हराना है, उनको ये था। लेकिन आरोप तो यही लगता है संदीप जी, कि चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री जी से मिलना होता है, ओपी राजभर को तो सिर्फ अपने पुत्र के साथ ही जाते हैं, कोई तीसरा चौथा नहीं रहता है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, दरअसल समस्या ये है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर अपने व्यक्तिगत से जाते हैं, ठीक है ना? जैसे हमारा आपका परिचय है तो आप किसी पार्टी से हैं, उससे नहीं मतलब है, हम कभी भी मिल सकते हैं आपसे, है ना? तो हम आपका परिचय है, हम ये नहीं देखेंगे आप किस पार्टी के मुखिया, अगर आप सत्ता में हैं तो हम जरूर मुलाकात करेंगे। सवाल अगला है कि आपके ही क्षेत्र के रामचंद्र राजभर जी, मीडिया में चल रहा है खबर कि वो भी राजभर के काट करेंगे रामचंद्र राजभर, तो कितना प्रभाव डालेंगे पूर्वांचल में और चाहे उत्तर प्रदेश में, कुछ अनुमान बताएंगे? एक भी परसेंट नहीं, इनके आते और इनको जिम्मेदारी देने से कोई मतलब नहीं है। वो बेंगलोर गए थे, पूरा मीडिया में चली खबर की एक राजभर की काट दूसरा राजभर, और आप कह रहे हैं 1% ने, तो फिर अखिलेश यादव किस हिसाब से भरोसा कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? देखिए, राजनीति में जाहिर सी बात है आदमी काट छाट लगा रहता है, लेकिन अगर जहां तक देखा जाए मुखिया में और नौकर में बहुत अंतर है, इस बात को आप भली भांति जानते होंगे, ठीक है ना? माननीय ओम प्रकाश राजभर अपने दम पे 1 सूहे भारतीय समाज पार्टी का निर्माण किया है, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, हक अधिकार व्यवस्था दिलाने की। हम लोग देखिए, किसी के मालिक में नौकर नहीं, कोई इतना भी पार्टी जिम्मेदारी दे दे, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। पूर्वांचल में इनका 1% पकड़ नहीं है। आपको पता होगा 2022 में जो चुनाव माननीय ओम प्रकाश राजभर समाजवादी के साथ मिलकर के लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का किसी किसी जिले में का को खाता खुल गया, नहीं तो कहीं भी पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, है ना? और कितना भी जिम्मेदारी दे दे, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अब हम लोग एनडीए के साथ में आ गए हैं, 80 का 80 सीट लोकसभा, देख लीजिएगा एनडीए के कोटे में जाएगा, हम लोग जिता करके फिर से पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं। संदीप जी, आप तो बात कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण का क्या होगा? आरक्षण देखिए, तत्काल तो कुछ होने वाला, उनका प्रयास जारी है। इसी विषय में अभी 2-3 दिन पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर अरविंद राजभर जी, सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से मुलाकात किए हैं आरक्षण को लेकर के, राजभर रेजिमेंट की चर्चा करने के लिए, व्यवस्था के लिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, कोई नोटिफिकेशन दिल्ली भिजवा दिए हैं, अब उस पर चर्चा प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। ये हमको लग रहा है कि 24 को हो सकता है पहले भी लागू हो जाए, या 24 चुनाव के बाद हो जाएगा। अच्छा, 24 में मान लीजिए सरकार बन गई बीजेपी की, आरक्षण नहीं मिला तो फिर राजभर क्या कहेगा? क्या राजभर के बीच में हम कैसे जाके 27 की तैयारी करेंगे लोग? क्योंकि राजभर समाज को यह अनुमान है कि इस बार वो भी राजभर आरक्षण दिला देंगे। देखिए, गांव में आप देखेंगे प्रधानी, जब आदमी कोई लड़ता है जीतने के बाद ही आदमी के हाथ में पावर आता है, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी, जब व्यक्ति जीतता है तब तो उसके हाथ में पावर आता है, नाली खंजा चक्रोट आरसीसी लिंटर सब व्यवस्था दिलाता है। अब रही बात जनता की, हम लोगों को विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देगी और पुनः फिर एनडीए की सरकार बनेगी, और जब सरकार बनेगी तो हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि राजभर रेजिमेंट बन करके रहेगा, इसमें दो राय नहीं। आखिरी सवाल संदीप जी हमारा ये है कि कितने लोकसभा पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी
और क्या वो भी राजभर और अरविंद राजभर के बाद कोई तीसरा लड़ेगा कि यही लोग रहेंगे? ये देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय हमारा विषय नहीं, हम एक कार्यकर्ता हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो भी आदेश होता है मैं अपने माननीय नेताजी की विचारधारा को लेकर के क्षेत्र में चला जाता हूँ, जो भी स्थिति होती है उसको मैं पुनः प्रयास करता हूँ करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता हूँ। ये हमारा विषय नहीं कि कितना सीट मिलता है कैसे मिलता है। ठीक है संदीप जी, अब राज तक न्यूज चैनल पर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।